ओम परमात्मने नमः। तेरहवें अध्याय में विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। तो सूर्य कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से इनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छ स्वरूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मद्राचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मद्राचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपोड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करें। तो सोना भी अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 और बावन पुराण की 10,000। कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 400,000 होती है। उनमें श्रीमद् भागवत जैसा कि पहले कहा जा चुका है 18,000 श्लोकों का है। तो सोनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके उस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सतपुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक स्वरूप अद्वितीय सद वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। तो जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों की श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है सोनकादिक ऋषियों। जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वदा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है इसका नैष्कर्म्य अर्थात कर्मों की अत्यंत के निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है।
जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। तो यह श्री भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है, इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था, फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगिंद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणा में राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। तो वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहते हैं, शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं पटक सकते। हम उन नहीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजसी परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन हमारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। अतः यह 12वां इसका समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्णा।